राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख और नागपुर जिले के पालक मंत्री और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के साथ हजारों विद्यार्थी नागरिकता संशोधन कानून NRC और NPR के खिलाफ संविधान चौक पर धरने में शामिल हुए। लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने संविधान की रक्षा के लिए अपना समर्थन दिया और लोगों से शांतिपूर्वक आंदोलन करने की अपील की। वहीं डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि आज संविधान को बचाने के लिए हम सभी को एक साथ आगे आना चाहिए और देश में बढ़ रही बुरी ताकतों, महिलाओं और विद्यार्थियों पर हो रहे हमले के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी हम अपने संविधान और इस देश की रक्षा कर सकेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी तथा श्री शरद पवार जी के नेतृत्व में भारत सरकार के इस रवैये के खिलाफ जो आवाज उठी है, उस आवाज में आवाज मिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से आपका हुजूर। हजारा जिस प्रकार से इस देश को जोड़ने का काम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके तमाम साथियों ने इस देश में किया था। कई भाषाएं, कई जाति, कई धर्म, कई प्रदेशों को मिलाकर भारत एक संघ राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। अभी 26 जनवरी अभी कुछ दिन बाद हम मनाने यहां जा ही रहे हैं। इस गणराज्य में बाबा साहब ने उस समय भाषण देते वक्त कहा था कि इस देश, यह जो वो देश है कि जो जिससे प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, अपने माति के साथ ईमान रखता है, वो कभी अपने देश की खिलाफत नहीं कर सकता। यह हमारा दोष नहीं है कि मैं इस माति में बौद्ध करके पैदा हुआ हूं या दलित करके पैदा हुआ या मुसलमान करके आप पैदा हुए हैं। जब पैदा होते हैं उस समय कोई हमारी जात भी नहीं होती और धर्म भी नहीं होता, लेकिन आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश को बांटने का जो काम कर रहे हैं उसका निषेध तो हम जरूर करना चाहेंगे। और भाईचारे से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, लेकिन पूरा वातावरण खराब करने का काम, बंटवारा करने का काम, हिंदू मुस्लिम में दरार लाने का काम ये सरकार कर रही है, उसका हम निषेध करते हैं। आपको एक ही बताऊंगा कि यहाँ पे महाराष्ट्र में हमारी सरकार है जिसका अधिकार नितिन राउत साहब ने किया, कानून भले ही केंद्रीय शासन बनाए लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना या नहीं करना वो सरकार के हाथ में। करके इसके बारे में सरकार जरूर कदम उठाएगी। जहां तक अनिल देशमुख का सवाल है, जहां तक नितिन राउत हमारे पालन मंत्री का सवाल है, मैं होम मिनिस्टर हूं और कितने भी वहां से ऊपर से जबरदस्ती की जाए तो यहाँ पे कानून चालू करना या नहीं करना उसके बारे में सोचेंगे। और पूरे महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति अच्छी रखना ये भी हमारा काम है। आपको आज की इस धरने कार्यक्रम में आपको मैं विनती करता हूँ कि आराम से शांति से आप यहाँ पे धरना कीजिए। कहाँ पे भी किसी ने कायदा कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं, शांति से आप कीजिए, हमारी पूरी सरकार आपके पीछे रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।